ऑक्सीजन की कमी है मेरी बीवी को, और मैं विजयनगर से लेके चला अपनी वाइफ को, शास्त्री नगर गया, वहाँ पे मना कर दी, वहाँ सर्वोदय में मना कर दी, यशोदा में गया, वहाँ पे मना कर दी। तो मेरे बेटे ने मुझे बताया कि पापा वहाँ लेके आ, चल रहा मम्मी को, तब यहाँ लाया, ऑक्सीजन मिली है। कई घंटों तक गाजियाबाद के हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने के बाद सतबीर अपनी पत्नी को लेकर सोमवार शाम इंदिरापुरम के श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारे पहुंचे। उनकी पत्नी का ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम था। ऑक्सीजन लगने के बाद उन्हें कुछ आराम मिला। सतबीर जैसे कई और यहां ऑक्सीजन की तलाश में पहुंचे हैं। गुरुद्वारे में खालसा हेल्प इंटरनेशनल द्वारा मुफ्त ऑक्सीजन सेवा दी जा रही है। रोज़ तकरीबन 400 से 500 मरीज यहां पहुंचते हैं। इनमें से कई कोरोना पॉजिटिव हैं, तो कईयों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। हम उसको प्रायोरिटी देते हैं, हम नहीं देखते वो पॉजिटिव है नेगेटिव, क्योंकि अगर हम चेक करने लग पड़े तब तक पेशेंट अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। 24 घंटे मरीजों के साथ लगे वॉलंटियर्स को भी संक्रमण का काफी खतरा है। मेरा अपना बेटा पॉजिटिव हो गया सेवा करते करते, इंदरजीत सिंह खुराना जी हैं हमारे, जो हमारे 10 दिन से साथ कर रहे थे, कल वो भी पॉजिटिव आ गए हैं, और बाकी अपने मदद टेस्ट करा रहे हैं, उनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। हालांकि वॉलंटियर्स यहाँ कोविड से जुड़े तमाम एहतियात बरत रहे हैं। सभी ने डबल मास्क लगा रखे हैं, हर ऑक्सीजन मास्क को सैनिटाइज किया जा रहा है, मगर भीड़ की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन मुमकिन नहीं। बढ़ती भीड़ की वजह से ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ी है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स हरिद्वार स्थित भेल के प्लांट से लाए जा रहे हैं। रोज़ करीब 50 से 75 सिलेंडर्स इस्तेमाल होते हैं। इन्हें भेल के प्लांट में रिफिल भी करवाया जाता है। चूँकि ऑक्सीजन सीधे भेल से आ रही है, इसकी गुणवत्ता को लेकर कोई दो राय नहीं है। हमारी जो टीम है दूर दूर जाके 400-500 किलोमीटर प्लांटों पर बैठी हुई है, वहाँ से जितने हो सकते हैं, कई प्लांट से 10, 5, 20 हर जगह से कलेक्शन करती है, बारी बारी पहुँची है, और ये हमने ये जो चेयर है टूटे नहीं थी। यहाँ ये बता देना ज़रूरी हो जाता है कि गुरुद्वारे पर सिर्फ ऑक्सीजन मुहैया कराई जा रही है, इलाज नहीं चल रहा। जो बंदा पहुँचते पहुँचते आ ही नहीं पाता, वो बेचारा पहले हॉस्पिटल के धक्के खाता रहता है, वहाँ पे कुछ नहीं मिलता, तो आर के वो लास्ट स्टेज पे यहाँ पे आता है। तो ये समझो हम लास्ट होप हैं किसी भी मरीज की आज की डेट में, जिन्हें वो नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। हमारे सामने कई ऐसे मरीज आए जिनका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी नीचे जा चुका था। इन्हें हॉस्पिटल्स के लिए रेफर कर दिया जाता है। जैसे जैसे शाम गहराती है, मरीजों की भीड़ बढ़ती जाती है। ऐसे समय पर जबकि महामारी काल बनकर सामने खड़ी है, सिख समुदाय का ये ऑक्सीजन लंगर उम्मीद की एक सांस बनकर उभरा है। और इनको खाना खाएगा तो हाँ, एक पूरा रिजल्ट इम्पोर्ट होगा, उसके जरिए आप नहीं है।